Hello, bachelors. All right. Hello, everyone. So, welcome back. This is your very own physics wala and your very own pace batch. All right, guys. And I am yours truly, Tina, ma'am, your zoology mentor. So, guys, we have started with the third chapter of zoology, that is excretory products and their elimination. आज मैं कुछ बंदोबस्त करके आई हूँ जिसकी वजह से हमें ना ये बोर्ड परेशान नहीं करेगा आई आई हैव ट्राइड लेवल बेस्ट सो सी कि आज बोर्ड जीतता है कि हम जीतते हैं लेट्स टू ऑफ दिस चैप्टर पिछले लेक्चर uh, में गए हमने पढ़ा था uh, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का पहला पार्ट दैट इज किडनीज और किडनी के यूनिट्स दैट इज नेफ्रॉन तो हमने कल इनका स्ट्रक्चर कर लिया है ठीक है किडनी का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने देख लिया था सो टुडे वी हैव टू प्रोसीड इन द चैप्टर एंड आई टोल्ड यू की नेफरॉन देखो नेफरॉन का कल हमने क्या क्या पार्ट किया था एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है रिवाइज भी हो जाएगा और आज हमने बेसिकली देखना है इसके आस पास ब्लड सप्लाई सो so, देखो कैसा था नेफ्रॉन सो दिस वॉज दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर राइट कप शेप स्ट्रक्चर और ये थी हाईली कॉन्वल्यूटेड ट्रिब्यूनल जिसका नाम था पीसीटी राइट right? और पी सी टी के बाद ये आ जाता है आपका यू शेप्ड स्ट्रक्चर and this u-shaped structure is known as loop of henle right or a loop of henle dubara say highly convoluted structure vanadeta and this highly convoluted structure is known as dct so dct this is ascending limb of loop of henle right this is the descending limb descending limb of loop of henle and this फोल्डेड स्ट्रक्चर इज नोन एज पी सी टी एंड दिस कपशेप स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमैंस कैप्सूल कल हमने इसके अंदर कौन कौन सेल्स प्रेजेंट हैं वो भी पढ़ लिए थे राइट सो मेन आज का टॉपिक है इसके आस पास ब्लड सप्लाई कैसी है क्योंकि ब्लड सप्लाई सुपर सुपर इम्पोर्टेंट है और ये बहुत सारे डी सी टीज जो थे वी हैव सीन दैट देमन कलेक्टिंग डाट आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट कलेक्टिंग डक इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफरॉन ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था ठीक है चलो अब इसके आसपास ब्लड सप्लाई देखते हैं सो ब्लड सप्लाई हम बना लेंगे येलो से ताकि बहुत क्लियरली तुम्हें विजिबल हो ठीक है तो हर ब्लड सप्लाई हम स्टार्ट करते हैं हार्ट से ठीक है हार्ट से ब्लड स्टार्ट होता है ए ऑटा निकली पड़ चुके हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम में ठीक है ए विल डिवाइड इनटू लॉट्स ऑफ आर्टरीज एंड ईच आर्टरी विल बी डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन हर एक ऑर्गन के लिए एक स्पेसिफिक आर्टरी होगी और हमने ये भी देखा था कि आर्टरी पहले आर्टेरियोल्स में ब्रेक डाउन होती है कल हमने पढ़ी थी ठीक है अब देखो सो दिस इज रीनल आर्टरी रीनल आर्टरी इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इन टू एफरेंट आर्टीरियोल सो ये क्या है एफरेंट आर्टीरियोल एफ्रेंट मीन जो ब्लड लेके आ रही है ठीक है दिस इज एफरेंट आर्टीरियल नाउ एफरेंट आर्टीरियल विल एंटर इन टू दिस शेप्ड स्ट्रक्चर एंड फॉर्म सेट ऑफ कैपिलरीज़ एंड दिस से हमने कल कर लिया था इसके आगे हमने ये भी देख लिया था कि ये ग्लोमेरोलिस की जो कैपिलरीज है ये बाहर निकल के बिन्यूल नहीं बनाती क्या बनाती है एक और आर्टीरियोल बनाती है आई डोंट यू ये ब्लड सप्लाई इज लिटिल यूनिक सो दिस इज इफ्रेंट आर्टीरियल ऑल राइट आज मैंने ज़्यादा गप्पे नहीं मारी ठीक है कोई फालतू तो इंट्रोडक्शन नहीं की बिकॉज जान पहचान हो चुकी है एंड आई नो यू आर ऑल ब्यूटिफुल स्टूडेंट्स ये बोलना जरूरी होता है है ना तुम्हारा भी मन नहीं लगता जब तक ये ना बोला जाए चलो आज बहुत सारी पढ़ाई करनी है दिस इज़ अ वेरी वेरी डिटेल्ड टॉपिक बहुत डिटेल में और बहुत एक्सटेंसिवली हमें स्टडी करना है चलिए लेट्स गेट बैक टू द स्टडीज अच्छा उससे पहले एन uh, सी पढ़ रहे हो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ चेक करने के लिए कि तुमने एनसीआरटी पढ़ी है कि नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें वो नहीं बताया था ना इफ यू हैव रेड एनसीआरटी यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन वॉट इज द पोजिशन ऑफ किडनीज नाव दैट इज क्लियरली मैं एनसीआरटी देखना है किस किस ने एनसीआरटी पढ़ी है नहीं पढ़ी है तो कम से कम ये आंसर देने के लिए पढ़ना पढ़ोगे तुम ठीक है

ये आर्टीरियल एक बार फिर से कैपिलरीज में टूट जाएगी एंड ये पहुंचेगी आपके पीसीटी के आसपास ये पीसीटी के आसपास जा रही है ठीक है ये पीसीटी के आसपास कैपिलरीज घूम रही है और पीसीटी के आसपास जाने के बाद ये चली जाती है डीसीटी की तरफ ये देखो ये डीसीटी की तरफ कैपिलरीज चली जाएंगी या सो so, ये जो कैपिलरीज है जो कि आपके पीसीटी और आपके डीसीटी के आसपास हैं, इनको हम बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। के पेरी मींस आसपास ट्यूबुलर टिब्यूल्स पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्लियर ब्लड सप्लाई थोड़ी यूनिक है किडनी के आसपास इतना क्लियर हो गया नासी अब यहां से इसको हटाते हैं ऑल राइट right. आज हम थोड़ा डिफरेंट वे में मैं एक डिफरेंट वो यूज कर रही हूँ फॉर्मेट ताकि हमारा पेन हमें परेशान ना करे देखो बोर्ड की आज हमने ऐसी तैसी कर देनी है देखते हैं कब तक परेशान करेगा ना सी सो so ये क्लियर हो गया सो एक फ्रंट आर्टीरियल वंस अगेन इट ब्रोक ऑफ इनटू कैपिलरीज और ये कैपिलरीज पीसीटी और डीसीटी के आसपास जा रही है देखो ये ब्लड इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है और पीसीटी की तरफ जाने के बाद सीधा कहाँ जाता है डीसीटी में वैसे क्या आता है पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले नाउ दिस इज दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक हियर एंड रिमेंबर हियर कि पीसीटी के बाद वैसे क्या आता है लूप ऑफ हेनले लेकिन ब्लड सप्लाई देखो कैसे जा रही है ब्लड सप्लाई का क्या सीन है कि पीसीटी की तरफ जाने के बाद ब्लड सीधा जंप करेगा डीसीटी की तरफ और डीसीटी की तरफ घूमने के बाद डीसीटी की तरफ जाने के बाद अब वापसी के टाइम पे अब ये जाएगा लूप ऑफ हेनले की तरफ लूप ऑफ हेनले की तरफ आई यू गेटिंग दिस तो ये अब जाते समय लूप ऑफ हेनले की तरफ जा रहा है और लूप ऑफ हेनले के आसपास भी ये नेटवर्क ऑफ केपिलरीज बना देता है तो ये देखो लूप ऑफ हेनले के आसपास भी नेटवर्क ऑफ ऐसे केपिलरीज बना होगा क्लियर तो यहां ब्लड गया फिर लूप ऑफ हेनले की तरफ गया इधर इधर और फिर इधर जा रहा है आई यू गेटिंग दिस ठीक है तो जो पीसीटी और डीसीटी की तरफ ब्लड केपिलरीज हैं उनको हमने क्या बोल दिया पेरी ट्यूबुलर केपिलरीज अब जो लूपो फैलने के आसपास के पिलरीज हैं इनका स्पेशल नामकरण किया गया है दैट इज वासा रेक्टा दैट इज वासा रेक्टा इज दैट क्लियर तो बिल्कुल क्लियर है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ब्लड सप्लाई एक बार दोबारा देख लेते हैं देखो एफरंट एफरंट के बाद ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस के बाद ईफ्रंट आर्टीरियल ठीक है ईफ्रंट आर्टीरियल के बाद ब्लड कहां जा रहा है टुवर्ड्स पीसीटी एंड डीसीटी और कैपिलरीज को क्या बोल दोगे तुम पेरी ट्यूबुलर के पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज वापस आते हुए लूप ऑफ हेनले की तरफ आएंगी ठीक है तो पहले असेंडिंग की तरफ फिर डिसेंडिंग की तरफ इतना क्लियर हो गया अब यहां से ये जो कैपिलरीज हैं वासा रेक्टा जो है ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स के वासा रेक्टा ये वासा रेक्टाएं सारे ठीक है वासा रेक्टा वासा रेक्टा ये वासा रेक्टा मिलके बना देते हैं रीनल वेन्यूल क्या बनाएंगे रीनल वेन्यूल और इसी तरह से बहुत ज्यादा बहुत सारी रीनल वेन्यूल्स जो हैं ये मिलके बना देती हैं रीनल वेन और तुम्हें पता है वेन्स किसमें ओपन होती हैं वेना केवा में इज अ क्लियर सो दिस इज अ ब्लड सप्लाई वंस अगेन लेट्स राइट इट हियर देखो ये था हमारा हार्ट ठीक है सो दिस इज आर प्रिटी हार्ट अब हार्ट से क्या निकलती है एओटा ये डिवाइड हो जाती है बहुत सारी आर्टरीज़ में ठीक है तो ऐसी एक आर्टरी जो किडनी की तरफ जाएगी दैट आर्टरी विल बी नोन एज रीनल आर्टरी क्लियर रीनल आर्टरी इट एंटर्स द किडनी इट एंटर्स द किडनी एंड किडनी के अंदर एंटर करते ही इसकी दो ब्रांचेस हो जाएंगी हर एक एक-एक किडनी में जाएगी हर एक ब्रांच ने आगे डिवाइड हो जाना है इनटू टू वन मिलियन एफरेंट आर्टीरियल ताकि क्योंकि आपके एक एक किडनी के अंदर वन मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट ठीक है सो इट एंटर्स किडनी एंड ब्रेक्स ऑफ इंटू वन मिलियन एफरेंट ठीक है एफरेंट आर्टीरियल क्लियर और ये एफरेंट आर्टीरियल फिर कहां गए थे बोमैन कैप्सूल के अंदर एंड इट ब्रोक ऑफ इंटू ग्लोमैरुलस राइट ग्लोमेरुलस रीजॉइन होके क्या बनाता है इफरेंट आर्टीरियल

ये दोबारा से टूटती है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं हम जब वो पीसीटी एंड डीसीटी के आसपास होंगी और लूप ऑफ हिलने, हिलने के आसपास है ठीक है? वासा रेक्टा के बाद, ये ये सारी जो कैपिलरी हैं, रीज होके बना देंगी रीनल विन्यूल दैट क्लियर चलो अब रीनल वेन्यूज जो हैं, बहुत सारी ये मिलके बना देती हैं रीनल वेन और रीनल वेन तुम्हें पता है वेना केवा में जाएगी कौन सी वेना केवा में जाएगी किडनी नीचे है तो नीचे से जो ब्लड लेके आ रही है उस वेना केवा को क्या बोलते हैं इनफीरियर वेना केवा राइट सो इनफीरियर वेना केवा एंड इनफीरियर वेना केवा विल वंस अगेन एंटर इनटू द हार्ट इन द राइट एट्रिकल रिमेंबर सो दिस इज द ब्लड सप्लाई अराउंड द किडनी क्लियर सो यहां पे भी एक बार देख लेते हैं सो so, ये देखो बोमैक्स कैप्सूल के आसपास ए फ्रंट आरटीरिया और ब्लू मैर ई फ्रंट टीसी और डीसीटी की तरफ पेरी और वापस आते हुए लूप ऑफ हेल्ले नाव सी लूप ऑफ हेल्ले के आसपास जो ब्लड सप्लाई है ना, इट्स गोइंग टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज मैं कुछ एनिमेशन भी लेके आई हूँ, ठीक है जिसके हेल्प से हम पढ़ेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रही है सो वी यूज एनिमेशन टूडे क्योंकि आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी होता है बच्चों को ना यूरिन फॉर्मेशन में डाउट रहता है काउंटर करंट सबसे खतरनाक टॉपिक लेकिन लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि एकदम से हम यूरिन नहीं कहेंगे यहाँ पे यूरिन नहीं है यहाँ कहीं पे भी यूरिन वर्ड यूज नहीं करना यूरिन वर्ड कहा जाके जब फाइनली यहाँ पे जो बनेगा या जो प्रेजेंट होगा जो कॉम्पोजिशन होगी उस कॉम्पोजिशन को हमने क्या बोलना है यूरिन ठीक है अभी जब तक वो यहां पे घूम रहा है पीसीटी में लूप ऑफ या डीसीटी में इवन कलेक्टिंग डक्ट में में भी जब तक वो एंड नहीं आ गया इट इज नॉट यूरिन जब तक यहां घूम रहा है ट्यूब्यूल्स में इट इज ऑल फिल्ट्रेट क्लियर सी यहां फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है ठीक है इसीलिए इसको हमने बोला डिसेंडिंग लिम्प यहां फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है इसीलिए इसको क्या बोला असेंडिंग लिम्प ठीक है लेकिन अब ब्लड देखो यहाँ फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है लेकिन ब्लड नीचे जा रहा है यहां फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है और ब्लड ऊपर जा रहा है इस चीज को नोट कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इसी वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म जनरेट होना है इसी वजह से आपके अंदर वाटर की कंजर्वेशन होगी सॉल्ट की कंजर्वेशन होगी मेनली वाटर की कंजर्वेशन होगी इज ए क्लियर इट्स गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट विल डिस्कस टुडे चलो आगे देखते हैं सो दिस ब्लड सप्लाई इज क्लियर ठीक है दिस इज अ ब्लड सप्लाई एंड नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ नेफर देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफरॉन इज सेम बट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा अब देखो ये आपकी किडनी है सो दिस इज दैट किडनी का आउटर स्ट्रक्चर दिस इज कॉटेक्स ठीक है दिस इज ऑल कॉटेक्स और ये सारा ठीक है दिस इज ऑल कॉटेक्स राइट और अंदर वाला रीजन क्या होता है मेडुला दिस इज ऑल मेडुला क्लियर और मेडुला के अंदर तुमने पढ़े हैं क्या होते हैं आपके अंदर होते हैं ये रीनल पिरामिड्स, क्लियर का जो कैप्सूल है PCT है और डीसीटी है ये तीन स्ट्रक्चर्स मैंने कल कहा था कि कॉटेक्स जो है डॉटेड अपेयरेंस होती है कॉटेक्स की है ना तो हम जो डॉट 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 टाइम पास करने के लिए बनाते हैं वो एक्चुअली ऐसा है डॉटेड अपेयरेंस है बिकॉज ऑफ बोमैनस क्लियर? सो यहाँ पे क्या क्या होगा ये बोमैन्स कैप्सूल तो होना ही है पीसीटी होना ही है right? और इवन डीसीटी बाहर होगी दिस इज द डीसीटी ठीक है ये डीसीटी है और ये है कलेक्टिंग डक्ट्स कलेक्टिंग डक्ट्स अंदर तक जाती है बाहर से शुरू होके अंदर तक जाएंगी इज इजे क्लियर अब जो लूप ऑफ हेनले है वो देखो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले का डिफरेंस आएगा चलो पहले यहाँ पे एक और बना लेते हैं ताकि बाद में तुम्हें कंपैरिजन दिखा सकूं सो so, दिस इज अगेन बोमैन्स कैप्सूल दिस इज पी सी टी सेम ठीक है एंड दिस इज डीसी टी क्लियर और ये है उसकी कलेक्टिंग डॉक्ट ठीक है जी डन अब आती है इसकी लूप ऑफ हेल्ले नॉट चेक आउट द लूप ऑफ हेल्ले जो इसकी लूप ऑफ हेल्ले है एक की ये लूप ऑफ हेल्ले जो है बहुत लंबी जा रही है यानी उसे लूप ऑफ हेल्ले इज वेरी लॉन्ग गोइंग डीप इन टू द मेडुला दूसरे के केस में लूप ऑफ इज क्वाइट शॉर्ट क्वाइट शॉर्ट थोड़ा सा पार्ट बाहर रहेगा और बहुत थोड़ा सा रीजन जो है वो मेडुला के अंदर जा रहा है कैन यू सी? ठीक है, तो इस बेस पे हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं और वो कौन कौन से नेफ्रॉन्स होंगे देखो जिसका लूप ऑफ हिंडले छोटा इसको हम बोलने वाले हैं कॉर्टिकल दीज आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ठीक है these are cortical nephrons because major part of the nephron lies in the cortex area dc bowman's capsule pct dct ye to hamesha hi bahar cortical region mein hoga irrespective ki wo kaun sa hai theek hai cortical nephron ke andar dekho point number 1 loop of henle short hoti hai ठीक है ठीके? जिसके अंदर loop of Henle short होगी उसके आसपास वासा रेक्टा डेवलप नहीं होता No वासा रेक्टा. No नो या वेरी अंडर डेवलप्ड Is it clear? सो मेन पार्ट इसका कहां लाय करता है मेजर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन लाइज इन द कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स रीजन ठीक है अब मोस्टली नेफ्रॉन्स जो आपके वन मिलियन हैं, इन ईच किडनी उनमें से 80 से 85 फाइव परसेंट नेफ्रॉन आपके इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं इज एक्ट क्लियर नाउ लूप ऑफ हिले एंड वासा रेक्टा दे प्लो वेरी दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वॉटर कंजर्वेशन कैसे ये हम देखेंगे बट फिलहाल जान लो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर कंजर्वेशन लेकिन अगर उनकी वासा रिक्टा सॉरी ऑफ फिले बहुत छोटी है वासा रिक्टा बिल्कुल नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में दे विल नॉट बी एबल टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल सो वी कैन से नो रोल इन वाटर कंजर्वेशन और ये जो वाटर कंजर्वेशन है इसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म चलता है इसके अंदर इज इट क्लियर विच इज नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म कब भी तो नाम सुना होगा ठीक है आज तो हमने पढ़ना है उसे चलो अगर वासा रेक्टा नहीं बनी हुई तो ऐसे नेफ्रॉन्स के अंदर पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बहुत वेल डेवलप्ड होती थी, हैं ठीक है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज जो पीसीटी और पीसीटी के आसपास थी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज वेल डेवलप्ड इज दैट क्लियर वेल डेवलप्ड क्लियर हो गया इतना अब दूसरी तरफ आते हैं ये वाले नेफ्रॉन्स ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका की लूप ऑफ हिले बहुत लंबा है एंड इट हैो डीप इन टू द मेडुला ऐसे नेफरॉन्स को हम बोलेंगे ओवरलैपिंग सो सफिशंट पार्ट ऑफ नेफर इज ओवरलैपिंग द मेडुलरी रीजन एज वेल जक्सटा मेडुलरी नेफ्रॉन सो आपके अराउंड फिफ्टीन से ट्वेंटी परसेंट नेफ्रॉन्स जो है वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं द इसमें इसमें देखो, longer है। डेवलप होगी ठीक है? है। इसका major, इसका part दोनों में में, करता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ इन बोथ मेडुला एज वेल एज इन कॉर्टेक्स नाउ दिस इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वॉटर कंजर्वेशन आई एम नॉट राइटिंग रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स यहाँ पे वॉटर कंजर्वेशन में मेजर रोल है इसका ठीक है और

या रीनल पिरामिड्स कल हमने पढ़े थे पिरामिडल स्ट्रक्चर्स राइट तो इनकी स्ट्राइटेड अपेयर किसकी वजह से कलेक्टिंग टिब्यूल्स की वजह से कलेक्टिंग डक्ट्स की वजह से आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल सो इफ यू टू टेक टेक्रीन शॉट यू कैन टेक इट एंड लेट्स प्रोसीड अहेड सो विद दिस द स्ट्रक्चरल पार्ट इज ऑलमोस्ट डन ठीक है किडनी का अभी यूरेटर यूरेथ्रा एंड ब्लैडर इज स्टिल देयर तो वो हम कल कर डिस्कस करेंगे सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी क्या है लाइक एक्सक्रीशन होता कैसे ठीक है किडनी काम करती कैसे सो so, किडनी का जो मेन रोल है दैट इज यूरिन फॉर्मेशन ठीक है और यूरिन के अंदर क्या निकाला जाता है एक्सेस एक्सेस वाटर हमारा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट कल कॉमेंट में क्वेश्चन था कि नाइट्रोजनस वेस्ट ही क्यों होता है सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता और भी बहुत सारी चीजें यूरिन में निकलेंगी बहुत सारी रादर मेजर पार्ट ऑफ यूरिन इज फॉर्म ऑफ वाटर है ना तो बहुत सारे वेस्ट निकलने वाले हैं इट्स नॉट जस्ट यूरिया और यूरिक एसिड अदर देन नाइट्रोजनस वेस्ट ऑल्सो आवर बॉडी इज गोइंग टू रिलीज लॉर्ड्स ऑफ स्टाफ हमने बहुत कुछ बेसमझ के बिना सोचे समझे खाया है चलो अब देखो एक्सक्रीशन से पहले यूरिया की बात आती है अब जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया यूरिक एसिड इनको बनाने की जो मेन जगह है दैट इज योर लिवर कहाँ पे बनता है लिवर के अंदर यूरिया इज फॉर्म्ड बाय योर लिवर नॉट बायोर किडनी किडनी का काम है उसको निकालना ब्लड को फिल्टर करना ठीक है लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनाया गया है दैट इज द फंक्शन ऑफ योर लिवर क्लियर है ये चीज याद रखना लिवर के सेल्स को हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स वो वी कॉल इट हिपैटोसाइट्स हिपैटोवर्ड इज ऑलवेज फॉर लिवर तो हिपैटोसाइट्स के अंदर चलता है एक साइकिल एक प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज यूरिया साइकिल यूरिया बनाने वाला साइकिल इज यूरिया साइकिल क्लियर इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेब्स हैंसलेट साइकिल इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट हैंसलेट साइकिल सी इट इज नॉट क्रेब साइकिल क्रेब साइकिल अलग है वो जो रेस्पिरेटरी पाथ है जिसमें बहुत सारी एनर्जी बनती है इन द माइटोकॉन्ड्रिया राइट दिस इज क्रेब्स हैंसलेट साइकिल क्रेब ने ही इसमें भी अपना आ, योगदान दिया है क्यों क्योंकि बेसिकली ये जो क्रेब्स हैंसलेट साइकिल है इसका कुछ हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है इज क्लियर तो इट विल जो यूरिया फॉर्मेशन है ये लिवर के सेल्स में होगी और सेल के कौन से ऑर्गेनलीज ऑर्गेनलिज है देखो एक तो साइटोप्लाज्म इनवॉल्व है और साइटोप्लाज्म का एक ऑर्गेनली दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया तो इन दोनों के अंदर ये यूरिया साइकिल बनता है तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो का काम सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन ही नहीं है आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट बनाना भी है सो नो डाउट बेसिकली इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल बट इट इज ऑल्सो एलिमिनेटिंग अ वेस्ट

कि ये लिवर में चलेगा यूरिया फॉर्मेशन लिवर के सेल्स के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये साइकिल ये प्रोसेस होती है ठीक है किसने डिस्कवर किया क्रेब्स हैंसलेट ने और इसमें जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट दैट पार्टिसिपेट्स और फर्स्ट माइनो एसिड दैट पार्टिसिपेट्स इज ऑर्निथन एंड दैट इज वाई वी कॉल इट ऑर्निथिन साइकिल क्लियर चलो अब नेक्स्ट आते हैं अब ये यूरिया तो बन गया क्लियर अब इस यूरिया को निकालेगा कौन यूरिया को निकालेगा कौन किडनी सो यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है जिसमें कि ये सारा वेस्ट जो है उसको निकाला जाएगा तो यूरिन फॉर्मेशन होती है किडनी के अंदर इन किडनी इट क्लियर अच्छा यहां पे एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपका यूरिया जो है दैट इज बींग प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर इसका मतलब यूरिया की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किस वेसल के अंदर होने वाली है देखो ये आपका लिवर था ठीक है This is your liver. Liver से बाहर आई जो ब्लड वेसल बाहर आ रही है वॉट इज दिपैटिक वेन है ना और लिवर के अंदर जो ब्लड लेके आ रही है दैट इज हिपैटिक आर्टरी यहाँ पे यूरिया साइकिल चला ये क्या लेके आ रही थी ऑक्सीजन ठीक है अब ये क्या लेके जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड ये तो हमें पता ही है लेकिन क्योंकि इसके अंदर यूरिया साइकिल चल रहा था तो हिपैटिक वेन और साथ में क्या लेके जाएगी यूरिया सो so, इसका मतलब मैक्सिमम यूरिया कौन सी वेसल में होगा हिपैटिक वेन के अंदर दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम यूरिया फाउंड इन फाउंड इन हिपैटिक वेन दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन

कैसे स्टेप बाय स्टेप होनी है uh, तीन स्टेप्स होंगे फिल्ट्रेशन री एब्जॉर्बशन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन दीज आर द मेन थ्री स्टेप्स अब इन स्टेप्स को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल देखो होना क्या है तुम्हारे पास बोमैन्स कैप्सूल है क्लियर चलो तो ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा सो so सी दिस इज योर बोमैन्स कैप्सूल ओके दिस इज योर बोमैंस कैप्सूल यहाँ पे बना रही हूँ ठीक है दिस इज दैट कप शेप्ड स्ट्रक्चर फाइन और ये है आपकी पी सी टी उसके बाद ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर योर लूप ऑफ हेनले, दिस इज योर लूप ऑफ हेनले राइट और उसके बाद क्या है आपकी डी सी टी मैंने सारे नेफ्रॉन को काफी खोल दिया है ठीक है सो दिस इज योर कलेक्टिंग ठीक है ये स्ट्रक्चर सबको समझ आ चुका अब इसके आसपास बहुत सारी ब्लड सप्लाई भी है ये भी हमने देख लिया सो देर आर लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स ठीक ठीक है है ब्लड ब्लड वेसल्स वेसल्स ही हैं ये सारी ब्लड सप्लाई है बीच में देखो पेरी ट्यूबुलर के पिलरीज होंगी कहीं पे वासा रेक्टा होगा यानी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है ठीक है सी कैप्सूल अब तुम्हें पता है यहां ब्लड आया था एफरेंट आर्टीरियल लेके आई थी राइट अंदर गया था ग्लोमेरुलस बना बाहर आ गया फाइन दिस इज ग्लोमेरुलस एंड दिस इज वी हैव रेड इट ऑल क्लियर नाउ सी व्हाट विल हैपन प्रेशर बहुत जनरेट हो जाएगा ठीक है तो इतना प्रेशर जनरेट हो जाएगा हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है लेकिन प्रेशर जनरेट होगा सो so, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है कि ब्लड इज तो गोइंग टू फिल्टर अंडर वेरी हाई प्रेशर प्रेशर क्यों बना वी विल सी बट ब्लड विल बी अंडर वेरी हाई प्रेशर दैट फिल्ट्रेशन इज नोन एज अल्ट्रा फिल्टरेशन कहा निकल जाता है मैंने कल भी मैंशन किया था कि इतना ग्लोमैरुलर फिल्टरेट बनता है कि एक दिन में वन एट्टी लीटर बन रहा है ठीक है तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेट एक दिन में कितना बन रहा है वन लीटर पर डे और यूरिन कितना बनना है यहां पे यूरिन कितना बनेगा सिर्फ डेढ़ से दो लीटर ठीक है इज क्लियर तो इसका मतलब ये सारी चीज जो आपकी ग्लोमेरुलर ग्लोमेर में कैप्सुलर स्पेस में बाहर आई है वो सारा यूरिन के फॉर्म में तो नहीं निकलने वाला और वैसे भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इतना हाई प्रेशर होता है कि ब्लड में से सब कुछ बाहर निकल जाता है एक्सेप्ट एक दो चीजों के वो बताऊंगी कौन सी होती है सब कुछ बाहर आ गया सारा पानी आ गया सारा ग्लूकोज एवरीथिंग इज आउट ठीक है अब इफ एवरीथिंग विल बी आउट विल नॉट बी लेफ्ट विद एनी थिंग क्लियर सो वी नीड टू रिटर्न द यूजफुल सब्सटांसेज बैक इन टू द ब्लड यहां से यहां से ठीक है इनसे यहां से तो यूजफुल सब्सटांसेस को हमें वापस करना होगा ब्लड को तो जो यहां से यूजफुल सब्सटांसेस वापस ब्लड में डाले जा रहे हैं इस प्रोसेस को क्या कहेंगे इस प्रोसेस को बोलेंगे री एब्जॉर्प्शन दिस इज कॉल्ड री एब्जॉर्न यूर पुटिंग बैक पुटिंग यूजफुल बैक द ब्लड ठीक है लेकिन अभी भी ब्लड के अंदर कुछ आ, कुछ वेस्ट सब्सटांसेस रह गए हैं तो उनको हम दोबारा एनर्जी लगा के वापस इसके अंदर डाल रहे हैं कि तुम तो निकलो उनको निकाला जाएगा तो जो ब्लड से निकाल के निफरॉन में डालोगे तो ब्लड से निकल के निफरॉन में आना दिस इज नोन एज सिक्रीशन इज इट क्लियर

तो फिर इसलिए जरूरत पड़ती है कि यूजफुल सब्सटांसेस को वापस डालो इन द ब्लड ऐसे तो हमारी बॉडी में कुछ बचेगा ही नहीं क्लियर सो बेसिकली ऑलमोस्ट 98 से 99 परसेंट चीजें हमें ब्लड को वापस करनी पड़ती हैं कि भाई ये तो गलती से निकल आई क्लियर तो वापस ब्लड में डालना दिस इज कॉल्ड री एब्जॉर्ब और अभी भी एक दो परसेंट चीजें थी जो ब्लड के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस रह गए हैं उनको अब एनर्जी लगा के फिर से निकालेंगे तुम तो निकलो ठीक है तुम्हारी जरूरत नहीं थी तुम निकलो तो वो जो ब्लड से हम जोर लगा के वापस बाहर निकाल रहे हैं दिस इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन इज क्लियर तो में में, क्या हो रहा है? चीजें ऑप्शन से कहां जाएंगी से जाएंगी ब्लड के अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस और सिक्रीशन में ब्लड से वेस्ट को वापस डाला जाएगा इज दैट क्लियर ठीक है और टचवुड अभी तक तो हमारा बोर्ड हमारे कंट्रोल में आज ठीक है मैंने बहुत दिमाग लगाया कि क्या किया जा सकता है चलो अब तो बच्चे भी इरिटेट होना शुरू हो गए थे अब तो बात बनती नहीं है चलो सो so, ये तीन मेन प्रोसेस हैं जिससे कि यूरिन फॉर्मेशन होनी है क्लियर नाउ लेट सी ईच प्रोसेस वन बाय वन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर कहा होती है इन ग्लोमेरुलस एंड वोमैनस कैप्सूल ठीक है ग्लोमेरुलस एंड वोमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस और वोमैंस कैप्सूल को कलेक्टिवली हमने क्या टर्म दी थी जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना वॉट वॉज द कलेक्टिव टर्म यूज फॉर वोमैन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ठीक है यू हैव टू गिव इट गिव दिस टर्म इन द कॉमेंट सेक्शन आज का पहला होमवर्क उसके बाद नहीं पहला होमवर्क नहीं सेकेंड होमवर्क पहला होमवर्क तो यह तुमने मुझे बतानी है पोजिशन ऑफ किडनी जो एनसीआर टी पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा, वो अब तक आंसर कर चुके होंगे चलो फिल्ट्रेशन अंडर वेरी हाई प्रेशर और यहां यहां हो रही है वॉट इज द कलेक्टिव टर्म यूज फॉर दीज टू स्ट्रक्चर लेट मी नो ना देखो कैसे था एक बार फिर से हम ड्रॉ करते हैं कल भी हमने ड्रॉ किया स्ट्रक्चर आज देखेंगे कि फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है uh, एक बार थोड़ा ढंग से ड्रॉ करता है देखो क्योंकि हमने देखनी है फिल्ट्रेशन कैसे होती है है ना सी विल मेक इट लिटिल बिग सो दिस इज योर बोमैंस कैप्सूल ठीक है यहाँ पे हमने पढ़ा था स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होते हैं यहाँ हमने पढ़े थे कि हमारे पोडोसाइट्स प्रेजेंट हैं इन विसरल वॉल राइट ये स्क्वामस एपिथिलियम पेराइटल वॉल में ओके okay, यहां पे प्रेजेंट है हमारे पोडोसाइट्स स्पेशल सेल्स इन द विसरल वॉल आर द पोडोसाइट्स क्लियर और पोडोसाइट्स के बीच में जो खाली स्पेसेस हैं उन खाली स्पेसेस का नाम क्या रखा था हमने फिल्ट्रेशन स्लिट्स फिल्ट्रेशन पोर्स या स्लिट पोर्स दीज आर योर पोडोसाइट्स इतना क्लियर है ठीक अब ब्लड आया चलो ब्लड ले आते हैं ब्लड रेड कलर से लेके आते हैं So, ठीक है में टूटेगा तो मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ एंड ये बहुत सारी capillaries मिलके बना देंगी आपकी ठीक है ये ब्लड लेके आ रही है ये लेके जाएगी Clear हो गया अब कैपिलरीज हैं तो कैपिलरी की वॉल तुम्हें पता है अगेन स्क्वामस एपिथीलियम से बनेगी वैसे भी फिल्ट्रेशन होनी है तो फिल्ट्रेशन होती ही ए पतले सेल्स है, है ना तो ना सी यहाँ पे आपकी कैपिलरी प्रेजेंट है तो कैपिलरी की वॉल इज लाइंड बाय स्क्वामस एपिथीलियम एंड इट इज नोन एज एंडोथीलियम बहुत बार पढ़ चुके हैं एलविला के आसपास पढ़ा है पिछले चैप्टर में पढ़ा है ठीक है सो वॉट इज दिस सी सो वॉट आर दीज सेल्स नंबर वन दीज सेल्स आर पोडोसाइट्स क्लियर जो विसरल वॉल के अंदर प्रेजेंट है विसरल वॉल और वोमैन कैप्सूल राइट right? endothelium. Endothelium capillary और येरी कौन सी है ग्लोमैरुल अब तुमने इतना तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ ली है कि तुम्हें पता हो कि जहां जहां एपिथिलियम होता है वहां बीच में बेसमेंट मेमब्रेन जरूर होती है सो so, देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जा रही है दिस इज दट बेसमेंट मेमब्रेन

इन तीन को क्रॉस करके चीजें कहा जाएंगी कहा जाने वाली हैं इन दिस स्पेस होल स्पेस इज नोन एज कैप्सुलर स्पेस कल हमने पढ़ा भी था ठीक है और जो सब कुछ यहां पे निकला है ब्लड में से इस सारी चीज को क्या बोलेंगे फिल्ट्रेट जो बन के निकला है दैट इज ग्लोमैरुलर फिल्ट्रेट क्लियर This is all और उसने क्रॉस किया एक इस लेर को क्रॉस किया है एंडोथिलियम को बेसमेंट मेमब्रेन को एंड पोडोसाइड्स को और इन फिल्ट्रेशन पोर्ट्स से चीजें बाहर आ गई क्लियर सो दीज थ्री लेयर्स वन टू एंड थ्री दे कलेक्टिवली फॉर्म द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन वन प्लस टू प्लस थ्री इज दैट क्लियर टू ऑल ठीक है और जो फाइनली फिल्टर आउट हुआ उसको हमने क्या बोल दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ठीक है सी एफरेंट मोटी आ रही है इफरेंट आर्टीरियल के लिए निकलने की जगह कम है राइट right? जब ब्लड आ ज्यादा रहा है निकलने के लिए जगह कम है तो क्या होगा सारा प्रेशर कहां डेवलप होने वाला है ग्लोमेरुलस में ब्लड के पिलरीज में राइट right? सो so, अब देखो इतना प्रेशर डेवलप हो जाता है कि सब कुछ बाहर आ जाना है सब कुछ बाहर आ जाना है क्या क्या बाहर आ जाएगा सी क्या क्या बाहर आएगा यहाँ पे सारा वाटर बाहर आ गया ठीक है सारा ग्लूकोज बाहर आ गया क्लियर देन और क्या बाहर आया है सारे मिनरल्स वाइटमिन्स हॉर्मोन्स क्लियर सोल्ट सॉल्ट देन अपना मेन नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया यूरिक एसिड हिप्यूरिक एसिड एवरीथिंग इज आउट एवरीथिंग इज आउट ठीक है एक्सेप्ट फॉर दो चीजें जो ब्लड से बाहर नहीं आई हैं जो ब्लड से बाहर नहीं आई हैं वो देखो कौन सी है ठीक है कोई कलर हमने छोड़ा है चलो इससे लिखते हैं तो दो चीजें जो ब्लड के बाहर नहीं आने वाली वो कौन सी होंगी एक हमारे सेल्स ब्लड के सेल्स और दूसरे ब्लड के प्रोटीन्स क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा होता है दैट दे कैन नॉट क्रॉस द मेम्रेन दे कैन नॉट क्रॉस द फिल्ट्रेशन पोर्स इज इट क्लियर सो इनका साइज बड़ा होने की वजह से बस ये दो चीजें पीछे रह जाती हैं ब्लड की बाकी सब कुछ बाहर आ जाता है सब कुछ बाहर आ जाता है इज इज्जे क्लियर बस दो चीजें बाहर नहीं आने वाली क्लियर इसका मतलब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ना सी कैन यू सी इट इन दिस एनिमेशन See, ये आपका ग्लोमेरुलस है राइट right? और इस ग्लोमेरुलस में से ये देखो फिल्ट्रेशन पोर दिखा रहे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन दिखाई जा रही है सो दिस इज द फिल्ट्रेशन देखो, गाइस ग्लुमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है तो यहां ब्लड आ रहा है ठीक है ब्लड आ रहा है इधर से और सब कुछ फिल्टर आउट होता जा रहा है और ये वोमेंस कैप्सूल में कैप्सुलर स्पेस में जाता जा रहा है कैन यू सी इट हियर आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर नाउ नाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या निकला है ब्लड फिल्ट्रेट ब्लड ने क्या सॉरी ब्लड में से क्या क्या फिल्टर आउट हुआ है ब्लड का सब कुछ फिल्टर हो गया एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स क्या क्या नहीं निकला एक ब्लड uh, के सेल्स ठीक है ब्लड के सेल्स जिनको हम फॉर्म एलिमेंट्स बोलते हैं और दूसरा जो बाहर नहीं निकला वो है उसके प्लाज्मा के प्रोटीन प्लाज्मा के प्रोटीन इज दैट क्लियर सो कैन वी राइट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एज प्लाज्मा ब्लड माइनस प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज दैट क्लियर अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ना गाइस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है एक अनबायस्ड प्रोसेस है इट इज एन अनबायस्ड प्रोसेस अनबायस्ड बिकॉज इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस जो सब था सब निकाल दिया ग्लूकोज निकाल दिया सारा पानी निकाल दिया सारे मिनरल्स हॉर्मोन सारा सॉल्ट एवरीथिंग इज आउट इज क्लियर ग्लूकोज आपके यूरिन में होता है बिल्कुल नहीं होता नॉर्मली अगर ग्लूकोज आपके यूरिन में आ गया इसका मतलब है कि वी आर डायबिटिक क्लियर तो ग्लूकोज का पॉइंट जीरो वन फ्रैक्शन भी यूरिन के अंदर नहीं होना चाहिए Now, इसका मतलब ये ऐसा यूजफुल सब्सटेंस है जो कि वापस जाएगा ब्लड ठीक है एक बार निकल आया बट वील बी रिटर्निंग ऑल ऑफ इट इन द ब्लड सो अनबायस्ड प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर यूजफुल एज वेल एज नॉन यूजफुल दोनों सब्सटेंसेस निकल रहे हैं यूजफुल एज वेल एज नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस सबको रिमूव करेगा सब्सटांसेज रिमूव्ड ठीक है सो इसलिए इसको बोलेंगे अनबायस्ड प्रोसेस और ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कॉम्पोजिशन ठीक है एज आई टोल्ड यू कितना फिल्ट्रेट बनता है एक मिनट के अंदर देखो एक मिनट के अंदर जो फिल्ट्रेट बनता है दैट इज 125 ट्वेंटी पर मिनट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म ठीक है एक मिनट के अंदर कितना बन रहा है 125 ट्वेंटी तो अगर इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाए ठीक है मिनट्स को एक पूरे दिन में कन्वर्ट किया जाए तो एक दिन के अंदर बनता है 180 लीटर पर डे ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इट क्लियर सो दिस इज नोन एज नाउ सी इट इज क्लियरली गिवन इन योर एनसीईआरटी गाइस आई होप योर एनसीईआरटीस आर विद यू इट इज क्लियरली गिवन ऑन पेज नंबर 294 ठीक है तो वी आर डूइंग इट डूंग्रॉम एनसीआर एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वन एटी लीटर पर डे फिल्ट्रेट का बनना दिस इज द ग्लोमर फिल्ट्रेशन रेट ठीक है तो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है वन एटी लीटर पर डे एक दिन के अंदर कितनी फिल्ट कितना फिल्ट्रेट बनता है दिस इज द वैल्यू क्लियर अब कहां से बनेगा जो ब्लड आ रहा है देखो ये जो ब्लड एंटर कर रहा है ये ब्लड जो एंटर कर रहा है ठीक है यहां से एंटर कर रहा है सॉरी और इधर से उधर जा रहा है सो so, इधर से निकल रहा है सी so, इधर जा रहा है ठीक है ना ना सी कितना ब्लड एंटर कर रहा है इसके अंदर एक दिन के अंदर देखो ओवरऑल हमारे अंदर कितना ब्लड है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारे अंदर कितना होता है फाइव टू सिक्स लीटर फाइन अब टोटल ब्लड में से किडनीज के अंदर 20 परसेंट ब्लड जाता है यानी वन फिफ ऑफ द टोटल ब्लड इज सेंट टू द किडनीज ठीक है सो टोट ब्लड इन टू द ब्लड इन किडनीज किडनीज को कितना ब्लड सप्लाई मिलेगा 20 परसेंट ऑफ द टोटल या फिर कह लो वन फिफ्थ ऑफ द टोटल दैट इज इक्वल टू 1100 से 1200 के बीच में इज क्लियर किडनीस और ये एक दिन की बात हो रही है ठीक है ना एट एनी गि इतना ब्लड आपके किडनी तो से इतना ग्लोमरला फिल्टरेट एक मिनट में बन रहा है और इतना पर डे ग्लोम फिल्टरेट बनेगा इज दैट क्लियर टू ऑल सबको क्लियर हो रहा है सो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट इफ यू वॉन्ट ठीक है एंड अब एज आ टोल्ड यू की सारी चीजें बाहर आ गई है यूजफुल भी नॉन यूजफुल भी तो हमें अब एक दूसरी प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी जो कि यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस करेगा बैक टू द ब्लड लेकिन उससे पहले ये फिल्ट्रेशन हुई क्यों है ठीक है हमने कहा कि फिल्ट्रेशन अंडर वेरी हाई प्रेशर इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाउ लेट्स सी कि वो प्रेशर है कितना जितने प्रेशर पे ओवरऑल फिल्ट्रेशन होती है नाउ दैट इज नोन एज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर सो नेट या फिर इफेक्टिव प्रेशर प्रेशर एट विच

ओवरऑल प्रेशर एट विच फिल्ट्रेशन वुड टेक प्लेस इलियर अब अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, यानी पीछे से ही पे आ रहा है तो किडनीज के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा कल हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस क्लास लास्ट क्लास ऑफ सर्कुलेशन हमने हाइपर पढ़ा था और उसमें क्लियरली लिखा है कि हाइपर का इफेक्ट आपके हार्ट पे ब्रेन पे किडनीज पे पड़ता है ठीक है तो जितने प्रेशर से ब्लड आएगा न सी ये आपकी कैपिलरीज है ठीक है तो अगर यहां पे ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगा तो प्रेशर यहां पे भी एक्जर्ट होगा कैपिलरीज आर वेरी फाइन ट्यूब्स दे कैन इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी तो आपके यूरिन के अंदर ब्लड आएगा किडनी इज फेलिंग इज इज्जेक्ट क्लियर अंदर इन्फेक्शन हो सकती है नेफ्राइटिस हो जाएगा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्लियर सो ब्लड प्रेशर का बहुत सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है आपकी किडनी के ऊपर भी इज इज्जेक्ट क्लियर चलिए सो वापस आते हैं सो so, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है किसी भी वजह से तो आपका ओवरऑल नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी इंक्रीज होगा सो हाई ब्लड प्रेशर विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज सीरियस इफेक्ट ऑन योर किडनी इज दैट क्लियर और ये नॉर्मल प्रेशर कितना होना चाहिए टेन से ट्वेंटी के बीच में इज क्लियर बट अगर बीपी बढ़ेगा तो ये प्रेशर भी बढ़ेगा एंड कैपिलरीज कैन रपचर सो दिस इज कॉल्ड एन एफ पी क्लियर और भी इसके डिटेल्स होते हैं बट हम यहीं पर रुक रहे हैं नाउ एज आई सेड कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ने बिना सोचे समझे सब बाहर निकाल दिया ठीक है तो हमें जरूरत है एक ऐसी प्रोसेस की देखो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है यहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से सब बाहर आ रहा है सब बाहर आ रहा है राइट जस्ट अ सेकेंड ऑल राइट तो यहां से सब कुछ बाहर आ गया सब कुछ बाहर आ गया दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्टरेट नाउ दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस और ये क्या बना है दिस इज ग्लोमैरुलर फिल्टरेट ग्लोमैरुलर फिल्टरेट ठीक है ये जो फिल्टरेट आ रहा है अब उसमें से जो यूजफुल सब्सटांसेज है देखो ये सारे यूजफुल सब्सटैंसेज है यूजफुल सब्सटैंसेज को हमें निकाल के वापिस कहां डालना होगा केपिलरी के अंदर दिस इज द ब्लड केपिलरी तो so, ये सारे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो यहाँ से निकल के कहाँ जा रहे हैं ब्लड के अंदर दिस प्रोसेस इज नोन एज री एब्जॉर्बन यू सी? यहाँ से ये यूजफुल सब्सटेंसेस निकल रहे हैं ठीक है लाइक सोडियम लाइक अमाइनो एसिड्स लाइक like ग्लूकोज ये सारे यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं ये यहाँ से निकलेंगे और कहाँ आ जाएंगे बैक इंड टू द ब्लड इसी तरह से और बहुत सारे सब्सटेंसेस अच्छा ये री एब्जॉर्प्शन जो है ये सिर्फ पीसीटी में नहीं हो रही यहाँ एनिमेशन में वो सिर्फ पीसीटी में दिखा रहा है अदरवाइज पीसीटी में से अलग सब्सटेंसेस बाहर आने वाले हैं लूप ऑफ हैलने में से अलग आने वाले हैं डीसीटी में से अलग आएंगे इवन कलेक्टिंग डक्ट में से भी री एब्जॉर्प्शन होती है Is that clear? So, different regions, different substances will be reabsorbed. Clear? Reabsorption, hai kya? Reabsorption is the absorption of absorption of useful substances of useful substances from nephron from nephron back into the blood. Clear? Back into blood. क्लियर है सो दिस इज री एब्जॉर्ब और ये कहां से हो रही है दिस इज अकरिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट इट विल अकर फ्रॉम वेरियस पार्ट इट विल अकर इन पी सी टी लूप ऑफ हिले डीसी टी एज वेल एज कलेक्टिंग हर अलग अलग रीजन में अलग अलग, अलग सब्सटांसेस री एब्सॉर्ब होंगे ठीक है नाउ लेट सी कि कौन कौन से सब्सटांसेस कहां से रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं सो हियर वी हैव अ टेबल ठीक है अब पिक्चर स्क्रीन ले सकते हो नाउ सी, देखो, पीसीटी पीसीटी में से सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होनी है तो दिस इज अट ऑफ मैक्सिमम री मैक्सिमम री इज एग्जैक्ट क्लियर सबसे ज्यादा और हमने कल एक चीज देखी थी कि पीसीटी स्पेशली अडेप्टेड फॉर दिस पर्पज क्या अडाप्टेशन थी इसके अंदर जो सिंपल सेल्स थे वो ब्रश बॉर्डर थे सारे यहां से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे जैसे कि ग्लाइसिन ठीक है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड यूरिया फिफ्टी परसेंट रि हो जाता है पूरा का पूरा यूरिया नहीं निकलने वाला ठीक है पूरा का पूरा यूरिया नहीं निकलने वाला कुछ यूरिया आपके ब्लड के अंदर अन... Uh, कुछ आपके ब्लड के अंदर रहता है ठीक है नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिया इन योर ब्लड इज सेवेंटीन से थर्टी एट मिलीग्राम उससे ज्यादा अगर ब्लड के अंदर यूरिया है तो गड़बड़ है इसका मतलब किडनी काम नहीं कर रही है ठीक है तो चलो उस पर भी डिस्कशन होगी सोडियम देखो सेवेंटी परसेंट पोटेशियम सेवेंटी परसेंट फॉस्फेट कैल्शियम मैग्नीशियम वाटर वाटर के लिए और सोडियम के लिए यहाँ पे आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस देखो uh, उसके बाद चलो लूपा खेलने पर आते हैं सो दिस पार्ट दिस पार्ट इज द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले ठीक है डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेल्ले में से सिर्फ एक चीज बाहर आती है इन दैट इज वॉटर, ठीक है तो अराउंड फिफ्टीन परसेंट वॉटर यहां से निकलता है जो आपकी थिक असेंडिंग लिम्ब है ऑफ लूप ऑफ हेल्ले यहां से देखो सोडियम बाहर आता है ये भी आएंगे लेकिन मेन चीज जो आपको याद रखनी है यहाँ से सॉल्ट्स बाहर आते हैं अलग अलग सॉल्ट पानी यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं आने वाला यहाँ से सॉल्ट बाहर आते हैं और मेनली सोडियम की हमने बात करनी है ठीक है अब देखो डीसीटी डीसीटी से भी आपका सोडियम भी बाहर आ रहा है वाटर भी बाहर आ रहा है ठीक है और इसी तरह से सोडियम एंड वाटर सो वॉट आई मीन टू सी हियर इज कि सोडियम एंड वाटर की एब्जॉर्बन थ्रू आउट चलनी है देखो पीसीटी में, में भी चल रही है लूप ऑफ हेल्ले में भी चल रही है लूप ऑफ हेलने का एक लिम्प जो है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा दूसरा लिम्प सोडियम को कर लेगा ठीक है एंड देन योर डीसीटी एज वेल एज योर कलेक्टिंग डर

60 to 70 ठीक है? और सोडियम की, और की हर जगह होनी है लेकिन सबसे ज्यादा water और सोडियम की reabsorption कहाँ हो रही है आपके पीसीटी के अंदर Have you noted down these नोटेड They दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Second thing. थिंग see, पीसीटी और लूप ऑफ Henle. देखो लूप ऑफ हेल्ले के अंदर से तो रियब्स ऑप्शन तभी होगी अगर वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है है ना कॉर्टिकल के अंदर लूप ऑफ हेल्ले इतना डेवलप्ड ही नहीं होता बट जिस भी नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेल्ले और वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड है और पीसीटी तो सबके अंदर ही है तो इन शॉर्ट पीसीटी और लूप ऑफ हेल्ले के अंदर जो रियब्स ऑप्शन है पीसीटी एंड लूप ऑफ हेल्ले के अंदर जो रियब्स ऑप्शन है ये तो होनी ही होनी है ये तो होनी ही होनी है जो काम होना ही होना है यानी जिसके बगैर कोई और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं कोई चारा ही नहीं है ऐसी चीज को हम बोलते हैं ऑब्लीगेटरी क्या बोलेंगे ओब्लीगेटरी ओब्लीगेटरी री ये वाला पार्ट तो होना ही है एक्र देन वी हैव डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में से जो रीएब्जॉर्प्शन है DCT डीसीटी में से कलेक्ट जो रि एब्जॉप है वो जरूरत के हिसाब से होती है यानी अगर पीसीटी और लूपी रीएब्स से बॉडी का बैलेंस में बाकी चीजें भी कंजर्व नहीं हुई तो रीएब्सॉप्शन विल कंटिन्यू इन डीसीटी एज वेल एज इन कलेक्टिंग डाट ठीक है अदरवाइज यहीं पर मेन कंजर्वेशन हो जाती है मेन रि हो जाती है तो यहां पे डीसीटी और सीटी के अंदर तभी कंटिन्यू करेगी अगर जरूरत है तो जरूरत के हिसाब से जो री होती है उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव क्या बोलेंगे इज इट क्लियर फैकल्टेटिव रीएब्सॉप्शन रीएब्सॉप्शन क्लियर तो आप यहां पर भी देखो यहां लिखा हुआ है वेरिएबल यहां लिखा हुआ है वेरिएबल तो so ये वेरिएबल क्यों है क्योंकि ये जरूरत के हिसाब से होगा जितनी जरूरत है वाटर को रीअब्सॉर्ब करने की और यहां पे ये पर रीएब्सॉर्प्शन होनी है दिस री विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ हॉर्मोन्स ये हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होगी अंडर द हॉर्मोनल इन्फ्लुएंस ठीक है ये हम कल पढ़ेंगे कि किस तरह से रेगुलेशन की जाएगी कौन कौन से हॉर्मोन्स आएंगे जो कि डीसीटी और सीटी में से भी रीअब्सॉर्प्शन करवा सकते हैं लेकिन वो सिर्फ जरूरत के हिसाब से इज इट क्लियर बाकी मेन री ऑप्शन यहां पे होनी है और सबसे ज्यादा रिएब्स ऑप्शन कहा होनी है आपके पीसीटी के अंदर दिस इज द मेन साइट ऑफ री एब्सॉप्शन इज दैट क्लियर टू ऑल चले सो so, ये हो गई हमारी रीएब्सॉप्शन अब रीएब्सॉप्शन में एक और चीज कि कुछ चीजें तो रीएब्सॉर्ब होती हैं देखो कैसे मकैनिज्म कौन कौन से हैं कुछ चीजों का रीएब्सॉप्शन होता है एक्टिव ठीक है रीएब्सॉप्शन और बाकियों का होगा पैसिव एक्टिव का मतलब एटीपी यूज होने वाला है ठीक है और पैसिव एटीपी यूज नहीं होगा इज क्लियर सो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका एक्टिव नंबर वन ग्लूकोज हमेशा एक्टिवली रीअबॉर्ब होगा सोडियम ठीक है अमाइनो एसिड्स इनका एक्टिव होगा और बाकी अदर सब्सटेंसेस का रीअब्सॉर्प्शन जो है वो पैसिवली होता है इज दैट क्लियर सो दी दिस इज इन शॉर्ट कि एक्टिव ऑप्शन किसका है और पैसिव किसका है क्लियर सो टेक अ सो दैट यू कैन यूज इट लेटर फॉर मेकिंग योर नोट्स और वैसे तो बेस्ट नोट्स होते हैं जो आप साथ साथ बना लो बट आई नो कि ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा डिफरेंटली दे रखा है तो यू कैन एक्चुअली यूज दिस टेबल ठीक है इट इज ऑल कंपाइल्ड इन वन क्लियर ऑल राइट चलो आगे देखते हैं अब काउंटर करंट मैकेनिज्म नाउ आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग की लूप ऑफ हेल्ले और जो वासा रेक्टा है ये स्पेशल रोल प्ले करते हैं वाटर कंजर्वेशन के अंदर ठीक है तो हमारे लूप ऑफ हेले और वासा रेक्टा के अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म चलेगा काउंटर करंट मैकेनिज्म ना दिस इज द पिक्चर गिवन इन एन ठीक है इट इज गिवन इन एन सी एट पेज नंबर एट पेज नंबर टू ठीक है पर ये पिक्चर देख के ना हमें डर ज्यादा लगता है समझ समझ कुछ आता नहीं है तो चलो आज इसको आसान बनाते हैं एक्चुअली अगर मैंने ये एन बनाई होती तो मैं ये चीज इसके आसपास बनाती ठीक है पर कोई बात नहीं एनसीईआरटी मैंने नहीं बनाई पर मैं यहां पे बना सकती हूं एंड आई एमक गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस एट एवरी कॉस्ट सी लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग फर्स्ट काउंटर करंट मैकेनिज्म काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट ठीक है काउंटर का मतलब क्या है ऑपोजिट करंट का मतलब होता है फ्लो ठीक है चाहे वॉटर करंट हो इलेक्ट्रिक करंट हो एयर करंट हो ठीक है वाटर करंट मीन्स जो बहता हुआ पानी है खड़े पानी को हम वाटर करंट नहीं बोलते ठीक है इसी तरह से एयर करंट विंड इलेक्ट्रिक करंट अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो ना करे तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है है ना कुछ ऐसे ही होता है ना ज्यादा फिजिक्स नहीं आती मुझे चलो ना सी काउंटर करंट काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट सो आई आस्क यू क्वेश्चन यू आस्क मी क्वेश्चन मैं तुम्हें बोलती हूँ कॉमेंट में आंसर देना ठीक है मैंने तुमसे सवाल पूछा है ऊपर से तुम भी क्वेश्चन पूछ लेते हो तो ये होता है काउंटर क्लियर सो काउंटर एक ऑपोजिट um, डायरेक्शन में तो अब देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म यहां पे कुछ ऑपोजिट फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से मैकेनिज्म जनरेट हुआ नाउ सी ये हमने नेफ्रॉन पढ़ा था दिस इज द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन सी हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड दिस इज वासारेक्टा देखे? पहले देखते हैं के केस में वी कैन सी फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है ये filtrate नीचे जा रहा है राइट right? फिर नीचे जाके ये, और ये असेंडिंग लिंब है क्योंकि यहां पे ऊपर आ रहा है राइट right? ओके okay. तो पहला counter current तो यहां पे ये देखो करंट तीन लेवल्स पे चलना है पहला विद इन बिटवीन द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग में फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है असेंडिंग में फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है दिस इज काउंटर इनका आपस में फ्लो कैसा है काउंटर है काउंटर फ्लो हो गया ठीक है दूसरा अब ये वासा रेक्टा वासा रेक्टा देखो ये वासा रेक्टा में ब्लड नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है ठीक है और फिर यहां पे ब्लड ऊपर आ रहा है ठीक है तो यहां पे ब्लड में भी क्या हो गया काउंटर करंट यहां ब्लड नीचे जा रहा है सो दिस इज द डिसेंडिंग लूप डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासारेक्टा एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासारेक्टा ठीक है तो दोनों के असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब है तो दो लेवल्स पे तुमने अभी काउंटर करंट देख लिया ठीक है ये काउंटर करंट तीन लेवल्स पे चलेगाडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले सीधा लिख रही हूं डिसेंडिंग लूप ऑफ एल्ले एंड असेंडिंग लूप ऑफ एनले

तीसरा लेवल तीसरा लेवल समझने के लिए हमें जरा डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा वैसे जैसे मैं अगर एनसीआरटी लिखती तो बनाती चलो देखो सो वी हैव दिस दिस इज योर लूप ऑफ हेल्ले ठीक है दिस इज योर लूप ऑफ हेनले चलो राइट फिल्टरेटर जा रहा है दिस पार्ट इज नोन एज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेल्ले एंड जहां फिल्टरेट ऊपर जाएगा दिस विल भी नोन एज असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेल्ले इज दट क्लियर इसमें तो कोई डाउट नहीं है ठीक है अब एनसीआरटी ने देखो एनसीआरटी ने जो ये वासा रेक्टा इधर बनाई है हम इसको उठा के इसके आसपास कर देंगे क्योंकि ये सारे वासा रेक्टा इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड लूप ऑफ लूपिंग है ना इसको इमेजिन करो कि इसको निकाल के तुमने यहां पे रख दिया कैन यू सी दैट कैन यू इमेजिन इमेजिन करना बड़ा जरूरी होता है देखो अब यहाँ पे रेक्टा हम बना देते हैं चलो ब्लू से ब्लू ब्लड ठीक okay, है दिस इज योर वासा रेक्टा वासा रेक्टा, राइट अब ब्लड इधर नीचे आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग वासा रेक्टा, और यहां से ब्लड जो है ये ऊपर जा रहा है सो दिस इज नोन एज असेंडिंग रेक्टा। क्लियर हमने दो लेवल्स पे तो काउंटर करंट देख लिया था यहां फिल्ट्रेट नीचे फिल्ट्रेट ऊपर यहां ब्लड नीचे ब्लड ऊपर क्लियर अब तीसरा लेवल देखो जो लूप ऑफ हिलने और वासा रेक्टा के लिम्स साथ -साथ हैं है, इधर ये और इधर ये इनके बीच में भी फ्लो देखो फिल्ट्रेट और ब्लड का फ्लो है ना पहले हमने फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट का देखा या ब्लड ब्लड का देखा अब हम फिल्ट्रेट और ब्लड का देख रहे हैं आपस में जब हम इन दोनों का आपस में फ्लो देखेंगे तो कैन वी सी यहाँ फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है ब्लड ऊपर जा रहा है ठीक है और यहाँ पे फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है और ब्लड नीचे जा रहा है क्लियर सो दिस इज द थर्ड लेवल ऑन विच काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट सो थर्ड इज बिटवीन एडजेसेंट लिम्स एडजेसेंट लेसारेक्टा एंड लूप ऑफ हेल्ले इज दलियर ये तीन लेवल समझ में आ गए ठीक है अभी काउंटर करंट पे नहीं जाना काउंटर करंट बहुत ईजी है अभी बस ये तीन लेवल्स देखो ठीक है अच्छा इसके लिए एक एनिमेशन है नाउ कैन यू सी इट देखो बहुत ईजी है बहुत ईजी ये देखो यहाँ फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है यहाँ फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है क्लियर कलर चेंज कर लें ओके तो ये फिल्ट्रेट देखो नीचे जा रहा है राइट right? और ब्लड कहाँ जा रहा है ऊपर ये आपका ब्लड है क्लियर अब फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है और ब्लड नीचे जा रहा है ब्लड यहां ऊपर जा रहा है और यहां ब्लड नीचे जा रहा है कैन वी सी इस तरह से ये मैकेनिज्म है ना और ये देखो ये ब्लड वेसल्स ये पेरी ट्यूबुलर की पिलरीज जो पीसीटी और डीसीटी की तरफ जा रही थी दीज आर देरी ट्यूबुलर के पिलरीज पेरी ट्यूबुलर के पिलरीज राइट और ये है आपका वासा रेक्टा दिस इज द वासा रेक्टा कैन वी सी दैट है ना यहां ब्लड नीचे आ रहा है सो दिस इज डिसेंडिंग वासा रेक्टा यहां ब्लड ऊपर जा रहा है सो so असेंडिंग वासा रेक्टा ठीक है और फिर हमारे पास है लूप ऑफ हेनले फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है सो so डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड हियर वी हैव असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आई थिंक नाउ इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू है ना इससे ज्यादा क्लियर तो क्या ही हो सकता है देखो अब अब हमें यह समझने की जरूरत है कि इन वॉल्स का जो नेचर है वो डिफरेंट है पहले इनका नेचर भी देख लेते हैं नेचर का हाल ये है इनका कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिले है इसमें से सिर्फ वाटर बाहर आ सकता है इसमें से क्या बाहर आ सकता है सिर्फ वाटर इसमें से सिर्फ वाटर बाहर आ सकता है क्यों आएगा वो बाद में देखते हैं लेकिन जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले है प्लीज राइट इट डाउन इन योर एनसीआर इसी डायग्राम के आसपास लिख लेना कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले जो है इट इज परमिएबल ओनली टू वॉटर एंड इम परमीएबल टू ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ठीक है सो दिस इज परमिएबल ओनली टू वॉटर इसमें से सिर्फ पानी बाहर आ सकता है जो असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले है इसमें से सिर्फ सोडियम बाहर आ सकता है सिर्फ सोडियम बाहर आ सकता है इज दर ये सोडियम बाहर आ रहा है और सोडियम जनरली एटीपी यूज करके बाहर आता है हमने अभी पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना है सोडियम का क्लियर तो यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप चलता है वो तो पंप क्या होता है ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सोडियम को निकालता जाता है और पोटाशियम को अंदर डालता जाता है क्लियर चलो अब डिसेंडिंग इज परमेबल टू वाटर असेंडिंग इज परमेबल टू ओनली सोडियम और सोल्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्ट क्लियर ओके अब आसपास क्या है खाली जगह तो है नहीं आसपास जो जगह है वहां पे प्रेजेंट है इंटर स्टीशियल फ्लूड ना एवरी थिंग एवरी प्लेस अराउंड दिस इज इंटर स्टीशियल फ्लूड इंटर स्टीशियल फ्लूड और इंटरस्टिशियल फ्लूड के अंदर बहुत सॉल्ट होता है बहुत सोडियम होता है और जैसे जैसे हम मेडुला के अंदर जा रहे हैं देखो ये काउंटर करंट कहां चल रहा है जक्स्टा मेडुलर इन के अंदर राइट right? और जक्सटा मिडिलर नेफ्रॉन्स किस में है रीनल पिरामिड मेडुलर रीजन में क्लियर तो जैसे जैसे हम डीप इन द मेडुला जाते हैं इसकी ऑस्मोलैरिटी यानी कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी हमारी होती है दैट इज ऑलवेज 300 हंड्रेड वो कितनी होती है 300 तो अंदर जाते जाते ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते ये पहुंच जाती है 1200 मैक्सिमम कितनी पहुंचती है 1200 हंड्रेड इज क्लियर ठीक है कितनी हो जाती है ट्वेल्व हंड्रेड नाउ सी अब जो फिल्ट्रेट यहां पे आया अब उससे पहले एक और चीज बता देते हैं आ, देखो यहां जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना था देखो एक बार और रिवाइज करते हैं देखो यहां पे हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना था ठीक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सब कुछ इतना ज्यादा बाहर आ गया था कि ओवरऑल इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी होती है 1200 इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर ऑस्मो पर लीटर ये इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्लियर इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है यह ग्लोमैर डन लेकिन तुम्हें पता है कि हमारे अंदर क्या हुई है हमारे अंदर हुई है रीअब्सॉप्शन और रीअब्जॉपन की वजह से पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्सॉप्शन हुई है तो जो कॉन्सेंट्रेशन यहां पे देखो यहां पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है ट्वेल्व हंड्रेड पीसीटी ने वो सारी चीजें बाहर निकाल दी मैक्सिमम वाटर बाहर निकाल दिया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत सारी चीजें निकाल दी तो जब तक फिल्ट्रेट यहां पहुंचता है ना लूप ऑफ हिलले तक डिसेंडिंग यू लिम तो यहाँ इसकी ऑस्मिटी हो चुकी है थ्री हंड्रेड ऑस्मिलारिटी कितनी हो गई है थ्री हंड्रेड ठीक है तो दिस इज द नॉर्मल ऑस्मेलॉरिटी ये कितनी हो गई है थ्री हंड्रेड अब आ जाओ आगे तो यहां पे जब फिल्ट्रेट पहुंचा तो उसकी ऑस्मिलारिटी कितनी चल रही है 300। ठीक है क्लियर हुआ बाहर भी कितनी है 300। अच्छा 300 से 1200 कैसे पहुंची है? ऐसे पहुंची है स्टोरी हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं अब देखो सब कुछ भूल जाओ ठीक है ओके यहां से पानी ये कितनी ऑस्मिलारिटी आ रही थी थ्री क्लियर से पानी निकला तुम सोचो कि तुम किसी सॉल्यूशन में से पानी निकालते जा रहे हो तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा गाढ़ा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो उसकी बढ़ेगी तो पानी निकला तो ये 300, 400, 600, 900 और मैक्सिमम कितनी होती है 1200 ठीक है अब जैसे ही ये लिम्ब नेचर इस ये डिसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग में कन्वर्ट होता है अब इसकी वॉल्स डिफरेंट परिटी शो करती है क्लियर टू वॉट सोडियम है ना तो अब इसके बाहर आने वाला है सोडियम अब तुम किसी सोल्यूशन में से अगर नमक बाहर निकाल रहे हो सॉल्ट बाहर निकाल रहे हो सोडियम बाहर, तो बाहर निकाल रहे हो तो अगर नमक बाहर निकालते जाओगे तो सोल्यूशन क्या होगा डायल्यूट हो जाएगा तो जो ट्वेल्व हंड्रेड उसकी ऑस्मोलॉलिटी आ रही है जो कॉन्सेंट्रेशन उसकी ट्वेल्व हंड्रेड है नमक निकालने पे, सोडियम निकालने पे, सोडियम निकालने पे, उसकी ऑस्मेलारिटी विल डिक्रीज नमक निकालते जा रहे हो तो वो दोबारा से क्या हो रहा है डाइल्यूट हो रहा है नाइन हंड्रेड सिक्स हंड्रेड फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड तक भी जा सकता है इज्जा क्लियर इतना क्लियर हो गया तो यहां से क्या बाहर आ रहा है वॉटर बाहर आ रहा है ये सारा क्या बाहर आ रहा है वॉटर बाहर आ रहा है क्लियर कहां आ रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूड में बाहर आ रहा है कि बाहर आसपास जितनी स्पेस है दिस इज ऑल इंटरस्टिशियल फ्लूड क्लियर नाउ यहां से क्या बाहर आ रहा है सोडियम बाहर आ रहा है सोडियम पे कहा जा रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूड में जा रहा है सब चीजें कहां जा रही है इंटरस्टिशल फ्लूड में थोड़ा याद करो सर्कुलेटरी सिस्टम लिम्फ पढ़ा था किसी ने कमेंट में लिखा हुआ कि मैम ने लिम्फ नहीं पढ़ाया भाई लास्ट लेक्चर में हमने लिम्फ पढ़ा है भाई बहुत अच्छी तरह से लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी बताया मैंने तुम्हें जो तुम्हेंटी में नहीं दिया हुआ तो प्लीज अटेंड ऑल द लेक्चर्स ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो ठीक है एनसीआरडी का कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे हम चलो देखो नाउ सी सो व्हाट आई वॉट आर ये सारी चीजें निकल के कहा आ रही है लिम्फ में यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूड में इसीलिए हम लिम्फ को या इंटस्टिशल फ्लूड को क्या बोलते हैं मिडल पर्सन है person, ना इंटरमीडिएट बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स राइट तो ये चीजें कहाँ आ रही हैं यहां सारी इंटरस्टिशियल फ्लूड में दिस इज ऑल इंटस्टिशियल फ्लूड वाटर भी यहाँ पे सोडियम भी यहाँ पे अच्छा दूसरी बात इंटरस्टिशियल फ्लूड जैसे जैसे अंदर जाते हो डीप इनटू द मेडुला उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है क्यों क्योंकि यहां से जो असेंडिंग लिंग ऑफ लूप ऑफ हिल है यहां से सोडियम ज्यादा बाहर आता है ज्यादा सोडियम बाहर आएगा टुवर्ड्स द इनर रीजन ऑफ मेडुला यहां से कम सोडियम आता है तो यहां सोडियम की इतनी भरमार हो जाती है कि यहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सो एज यू गो डीपर इनटू द मेडुला उसकी ऑस्मोलैरिटी उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी क्योंकि यहां से सोडियम की रीअब्सॉप्शन ज्यादा होती है इतना क्लियर हो गया ठीक है अब देखो जब सोडियम बाहर आ रहा है कहां आ रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूड में इंटरस्टिशियल फ्लूड कॉन्सेंट्रेट हो गया नमक ही नमक हो गया तुम सुबह सुबह पराठे खा लो आलू के गोभी के है ना नमक ज्यादा खा लेते हो जब भी तुम या फिर कल हमने बात की थी वो चिप्स के पैकेट में लास्ट जो मसाला होता है उसको खाने के बाद प्यास लगती है ना बहुत है ना तो ऐसे अब इंटस्टेशल फ्लूड ने बहुत ज़्यादा नमक खा लिया है उसको प्यास लगेगी तो वो इंटस्टेशल फ्लूड क्या करेगा यहां से पानी खींचता है तो पानी बाहर क्यों आया था क्योंकि इंटस्टेशल फ्लूड में बहुत नमक हो गया था भाई पानी अपने आप बाहर नहीं आता पानी इसीलिए बाहर आया क्योंकि इंटस्टेशल फ्लूड में बहुत ज़्यादा सोडियम हो रखा है इतना सोडियम कि उस सोडियम की वजह से अब इंटस्टेशल फ्लूड को लग रही है प्यास और वो पानी ले रहा है ये पानी पी रहा है कहां से पानी खींचेगा आपके डिसेंडिंग लूप ऑफ हिले इसलिए पानी बाहर आया था सोडियम क्यों बाहर आया था सोडियम को बाहर लाया गया था एनर्जी ला ला के बाहर लाया गया था तो सोडियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वाटर अपने आप आता है जरूरत के हिसाब से बाहर हम सर वाटर को बाहर लाने के लिए हम कंडीशन ऐसी बना देते हैं ठीक है सो ये हो गया हमारा क्लियर yeah? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो आज हम बीच में नहीं छोड़ रहे थे वी आर कंप्लीटिंग इट ऑल राइट ना सी सो सोडियम को एनर्जी लगा के हमने बाहर निकाला ठीक है इंटरस्टेश्इड में सोडियम ही सोडियम हो गया नमक हो गया अब उसको क्या लग रही है प्यास तो वो पानी कहां से खींचेगा जहां से पानी बाहर आ सकता है कहां से आ सकता है पानी बाहर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये पानी कहाँ आ रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूड में आ रहा है इंटस्टेशल फ्लूड में पानी हो गया है अब ठीक है अब यहां से पानी देखो अब ये यह पानी यहां तो आ गया नाउ सी इतना क्लियर हो गया अब यहां से ये जो सोडियम बाहर आया था ये कहा है इंटरस्टिशियल फ्लूड में दिस इज ऑल इन द इंटरस्टेश अब ये जो इसके आसपास ब्लड मूव कर रहा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है यहां जो ब्लड आ रहा है उसकी ऑसमटी कितनी चल रही है थ्री ठीक है अब यहां सोडियम इंटस्टेशल फ्लूड में बहुत ज्यादा हो रखा है बहुत ज्यादा सोडियम हो रखा है ब्लड में उतना सोडियम है नहीं तो वो सोडियम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप जाएगा यहां से सोडियम यहां जाता है और यहां देखो इंटस्टेशल फ्लूड से ब्लड के अंदर जो सोडियम का ट्रांसपोर्ट होना है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होना है अंडरस्टैंड दिस यह जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ब्लड टू इंटरस्टिशियल फ्लूडी सोडियम की कहानी बता रही हूं ब्लड से इंटरस्टिशल फ्लूड इंटरस्टिशल फ्लूड ठीक है यह होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्लियर एटीपी यूज होगा लेकिन क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूड में बहुत हाई सोडियम कर दिया हमने तो इंटरस्टिशियल फ्लूड से जो ब्लड के अंदर सोडियम जाएगा वो अपने आप चला जाएगा हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन सो से ब्लड के अंदर ये ब्लड नहीं है सॉरी दिस इज फिल्ट्रेट दिस इज फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट टू इंटरस्टिशियल फ्लूड एक्टिव इंटरस्टिशियल फ्लूड टू ब्लड में जो जाएगा दैट विल बी पैसिव दैट विल बी पैसिव इज क्लियर क्योंकि यहां बहुत सोडियम हो गया है हाई सोडियम सो हाई सोडियम से लो सोडियम की तरफ वो अपने आप पैसे मूव करेगा क्लियर नाउ सी ब्लड कितना आ रहा था 300 की ऑसमुलरिटी वाला उसमें तुमने नमक डालना शुरू कर दिया ठीक है अपने आप नमक जाना शुरू हो गया बट जा रहा है अब नमक तो अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड नाइन हंड्रेड ऐसी थाउजेंड एंड अल्टीमेटली मैक्सिमम कितनी हो जाती है ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है अगर तुम वैसे डायग्राम देखो ना तो तुम्हें क्या दिखेगा अच्छा थ्री हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड थ्री और उधर फिर थ्री हंड्रेड फिर थ्री हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड बट ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना का इसकी वजह से आयटर रीअबॉर्ब होना है ठीक है अब ब्लड के अंदर नमक ही नमक है नमक ही नमक है अब ये ब्लड जब इधर आया इतना नमक इकट्ठा हो गया ब्लड में अब ब्लड को प्यास लग रही है ब्लड अपनी प्यास कहां से बुझाएगा इंटरस्टेशल फ्लूड से तो इंटरस्टेशल फ्लूड से अब जो वाटर इसके अंदर भरना शुरू होगा तो अगेन ये डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है और कितना 300 तो देखो यहां फिल्ट्रेट में बहुत सारा पानी आया ठीक है लेकिन क्योंकि सॉरी ये फिल्ट्रेट जो था ये 300 हंड्रेड के साथ आया फाइन लेकिन क्योंकि नॉट फिल्ट्रेट यहाँ पे फिल्ट्रेट में सिर्फ 300 हंड्रेड की ऑसमिली थी लेकिन ये जो था यहां पे बहुत ज्यादा नमक था तो उस नमक की वजह से उस सोडियम की वजह से ये फिल्ट्रेट में से वाटर निकलना शुरू हो गया ठीक है और डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग ठीक है तो आपका जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है देखो फैक्ट नंबर वन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट इट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब इज इट क्लियर ओके अब तुम्हें पता है कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो रही है ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है अब यहां से जो आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हिले है इसकी वॉल्स किसके लिए पर्वेबल है सोल्ट के लिए तो यहां ए यूज करके सोडियम पोटासियम पंप चलता है सोडियम यूज करके सोडियम निकाला जा रहा है कहां निकल रहा है इंटस्टिशियल फ्लूड में ठीक है तो जब यहां से फिल्ट्रेट में से नमक निकलेगा तो फिल्ट्रेट एक बार से फिर डाइल्यूट हो रहा है तो जो आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हिले है इट इज नोन एज डाइल्यूटिंग लिम्प इट इज नोन एज डाइल्यूटिंग लिम्प can we say that ठीक है अब यहां से सोडियम निकल के कहां जा रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इतना सोडियम हो गया कि इधर से जो ब्लड आ रहा था बेचारा उसके अंदर अपने आप सोडियम जाना शुरू हो जाएगा ठीक है अब ब्लड में तुम सोडियम डाल रहे हो तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी कितनी 1200 मैक्सिमम पहुंचती है और जब जैसे ही ब्लड अब असेंडिंग वासा रेक्टा में आएगा तो वो इतना नमक हो गया है अब उसकी प्यास को कौन बुझाने वाला है इंटेस्टिशल फ्लूड इंटेस्टिशल फ्लूड से पानी खींचेगा तो इंटस्टिशल फ्लूड कहाँ से इंटर्न खींचेगा डिसेंडिंग लूप ऑफ लूपे तो वॉटर तो जो है वो सॉल्ट के पीछे पीछे जाता है जहां सॉल्ट ज्यादा उस तरफ वॉटर ने मूव करना है टू डाइल्यूट एट क्लियर बट सोडियम का जो रिमूवल है ये एनर्जी लगा के कराना है हमने इज दैट क्लियर ठीक है तो इस काउंटर करंट की वजह से देखो यहां फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है यहां ऊपर आ रहा है फिर ब्लड नीचे जा रहा है तो ये जो फिल्ट्रेट ऊपर जाता गया ये जाता जाता ब्लड को सोडियम देता गया तो जो फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा था तो उधर से आने वाला ब्लड सोडियम को वापस लेके आ गया ठीक है तो ये फिल्टरेट देखो सोडियम यहां से बॉडी को रिटर्न किया जा रहा है थ्रू इंडस्ट्रीशियल फ्लूड तो इधर फिल्ट्रेट ऊपर जाता जाता सोडियम निकाल रहा था उसको वापस कौन ले आया ब्लड ठीक है और क्योंकि ब्लड सोडियम ला रहा था तो ब्लड ने पानी भी खींच लिया ठीक है इंटरस्टिशियल फ्लूड से तो इंटरस्टिशियल फ्लूड ने इन टर्न कहा से खींच लिया डिसेंडिंग लूप ऑफ से तो आई यू गेटिंग इट यहां से पानी निकलता जाएगा और ये ब्लड वापस से पानी को लेता जाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस लाइक दिस इन लूप ऑफ हिले एंड वासारेक्टा एंड दिस इज नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म लेट्स सी ये जो पिक्चर है आपकी देखो ये सारा कुछ क्लियर अच्छा यहां पे एक चीज और आपके कलेक्टिंग डॉक्ट में जो यूरिया गया है वहां से यूरिया भी निकाला जाएगा देखो आपका जो कलेक्टिंग डक्ट होगी कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिया आ रहा है यहां से यूरिया निकाल के ये यूरिया इंटस्टिशियल फ्लूड में डाला जाता है ताकि अगेन इंटस्टिशियल फ्लूड की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाया जाए यहां पे, यहां पे यूरिया भी होगा इन द इंटस्टेशल फ्लूड क्योंकि ऑस्मोलैरिटी हमें मैक्सिमम कितनी करनी है तो so, हमने क्या किया? Filtrate से निकाल के, finally, interstitial fluid के अंदर डाल दिया, to maintain the osmolarity. कितनी ऑस्मोलैरिटी है ट्वेल्व हंड्रेड कुछ तो सोडियम की वजह से होगी और दूसरी किसकी वजह से होगी यूरिया की वजह से तो दो मकेनिज्म है एक आप बोलते हो काउंटर करंट एक्सचेंज मकैनिज्म है ना देखो काउंटर करंट की वजह से चीजें एक्सचेंज हो गई वाटर एक्सचेंज हुआ में और इंटरस्टेश्लूड से हुआ ब्लड के अंदर इसी तरह से सोडियम इंटस्टीशियल फ्लूड और इंटस्टीशियल फ्लूड से ब्लड में दिस इज नोन एज काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम ठीक है दूसरा आप टर्म सुनते हो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम मल्टीप्लाय का मतलब क्या होता है ज्यादा है ना बढ़ाना तो अब इन इंटरस्टिशियल फ्लूड की ऑस्मुलरिटी को बढ़ाया किसने है? और किसने मल्टीप्लाई कर दिया वैसे सोडियम मेंटेन कर रहा था 1200 लेकिन उस ऑस्मुलरिटी को और किसने बढ़ा दिया है यूरिया ने और वो यूरिया कहां मल्टीप्लायर सिस्टम इज दैट क्लियर मेरा बहुत जोर लग गया तुम्हें समझ में आया लेट मी नो दैट ठीक है वरना कल एक बार दोबारा से हम इसको क्विकली रिवाइज कर देंगे सो दिस इज हाउ द ब्लड इज मूविंग क्लियर चलो So, देखो अब अल्टीमेटली क्या क्या हो गया फिल्ट्रेशन पढ़ ली हमने रीअब्जॉर्बन पढ़ ली अब लास्ट जो हमारा आता है दैट इज सिक्रीशन अब ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होना है ट्यूबुलर सिक्रीशन में मैंने तुम्हें बता दिया कि जो चीजें अब ब्लड के अंदर रह गई हैं देखो ये आपका ग्लोमेरुलस था ठीक है ये पी और ये पी के बाद ये आपका लूप ऑफ हेनले है और ये डी है ठीक है सो दिस इज डी सी टी एंड सोन और इसके आसपास प्रेजेंट है आपकी ब्लड कैपिलरीज ये ब्लड कैपिलरीज हैं ठीक है तो ब्लड के अंदर अभी भी कुछ वेस्ट रह गया है कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस जो हैं उस वेस्ट को एनर्जी लगा के हम इसको निकालेंगे एंड वील पुट इट बैक इनटू द नेफ्रॉन ताकि वो बॉडी से निकाला जा सके इसको कहते हैं सिक्रीशन क्लियर अच्छा ट्यूबुलर सिक्रेशन हमेशा एक एक्टिव प्रोसेस होती है हमेशा इट इज एक्टिव प्रोसेस होता है एक्टिव प्रोसेस होगी और मूवमेंट कहां से कहां होनी है ब्लड से वेस्ट इज गोइंग टू मूव इन टू द नेफ्रॉन क्लियर वैसे तो हमारा ब्लड को फिल्टर कौन कर देता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उसमें से फिर हम यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस ले लेते हैं बट जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सुनो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्लोमेरुलस नहीं होता उनके ब्लड को साफ करने का इकलौता तरीका है ट्यूबुलर सिक्रीशन ठीक है सो ओनली मेथड ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन ओनली मेथड ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनिजम्स विच लैक विच लैक ग्लोमेरुलस वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो so, ये हो गया और देखो ये आपकी एनसीआर टी का डायग्राम है वेरी इंपॉर्टेंट विच समराइज एवरी थिंग कि कौन सी जगह से क्या चीजें रीऑब्जॉर्ब होनी है और कौन सी सिक्रीट होनी है सो so, देखो इस तरफ आपकी कैपिलरीज हैं सो so, जब नेफ्रॉन से चीजें कैपिलरीज में जा रही हैं तो ये क्या हो रही है ये री हो रही है दिस इज री ठीक है और अगेन कैपिलरीज हैं अगर कैपिलरीज से चीजें नेफ्रॉन में जा रही हैं तो ये क्या हो रही है ट्यूबुलर सिक्रीशन अब यहां से क्लियरली पता लगेगा कि पीसीटी में से कौन सी चीजें सिक्रीट हो रही है कौन सी रीएब्जॉर्ब हो रही है यहां देखो ये यह रीएब्जॉर्ब हो रहा है ये रीएब्जॉर्ब हो रहा है यहां सिक्रीशन हो रही है यूरिया की यहां से निकाल के इंटरस्टिशियल फ्लूड में जाएगा आई जस्ट टोल्ड यू और वहां से कहा जाता है डिसेंडिंग सॉरी असेंडिंग के अंदर देन ये आपका डीसीटी डीसीटी क्या क्या चीजें सिक्रीट कर रहा है पोटेशियम आयंस एंड एच पॉजिटिव आयंस और कौन कौन सी चीजें रीएब्जॉर्ब कर रहा है इज दैट क्लियर सो और ये जो रीअब्जॉप्शन है वाटर की ये भी जरूरत के हिसाब से होती है इज ऑल राइट सो अल्टीमेटली ये सारी प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास चीजें बनती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं यूरिन देखो यहां पर डायग्राम में एक लास्ट में चीज लिखी थी जो यूरिन फॉर्मेशन है देखो वो कैसे होती है यानी एक्सक्रीशन में क्या होता है फिल्ट्रेशन से जो चीज़ें निकली ठीक है उसमें से हमने रीअब्जॉर्प्शन वाली चीजें माइनस कर दी क्योंकि ये जो रीअब्जॉप्शन वाली चीजें हैं दैट विल बी रिटर्न बैक इनटू द ब्लड और ट्यूबुलर सिक्रीशन ने चीज़ें फिर से ऐड कर दी तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इक्वेजन है सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस ठीक है फिल्ट्रेशन ने चीज़ें निकाली थी उसमें से चीज़ें हमने वापस जो रीअब्जॉपन थी रीअब्जॉपन ने चीज़ों को माइनस कर दिया फ्रॉम द फिल्ट्रेट फाइन और ट्यूबुलर सिक्रीशन ने उसको वापस डाल दिया एंड एज अ रिजल्ट जो हमारे पास बना बना है दैट इज नोन एज यूरिन तो यूरिन के अंदर 95% वाटर होगा और यूरिया यूरिकोबिलिन ये सारे कॉम्पोनेट्स uh, प्रेजेंट है ये ऑर्गेनिक कॉम्पोनेट्स है एंड वी ऑल्सो हैव सॉल्ट प्रेजेंट इन द यूरिन नाउ दिस इज द नॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन एब नॉर्मल कॉम्पोजिशन की हम कल बात करेंगे सो ग्लूकोज एज कैन वी कैन नॉट सी हियर तो ग्लूकोज इज नॉट अ नेचुरल कॉम्पोनेंट ऑफ यूरिन इज ए क्लियर एंड बिफोर वी गो लेट्स हैव अ नीट स्प्रिंट एंड फाइनली आज हमने अपने बोर्ड पर भी जीत हासिल की है ठीक है तो बोर्ड आज हमारे हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर पाया चलो देखो सो क्वेश्चन पिक द करेक्ट स्टेटमेंट ये आपका नीट ट्वेंटी टू जीरोबल टू वाटर जो असेंडिंग है, है वो इम टू वाटर है बिल्कुल ठीक है ठीक है डिसेंडिंग जो है दैट इज इम्पर्मेबल टू वाटर ये रॉन्ग है डिसेंडिंग तो पर्मेबल होती है तो ये, इसने ये गड़बड़ कर दी असेंडिंग इज पर्मेबल टू वाटर असेंडिंग इज परमिबल टू वाटर ये गलत कर दिया असेंडिंग इज नॉट परमेबल टू वॉटर असेंडिंग इज टू सोडियम ठीक है एंड देन डिसेंडिंग इज पर्मेबल टू इलेक्ट्रोलाइट दिस इज रॉन्ग यहां पे वाटर होना चाहिए था इज एक्ट क्लियर चलो नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन द एक्टिव रीएब्सॉर्न ऑफ सोडियम नाउ यू विल टेल मी कि सोडियम का एक्टिव रिएब्सॉप्शन कहां पे होता है तो बेसिकली सोडियम का रि एब्सॉप्शन सब, सब जगह पे होना है और जहां से भी होगा सोडियम का रि हमेशा एक्टिव होगा लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको बताना होता है कि मैक्सिमम कहां पे हो रहा है ठीक है सो यू हैव टू आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन क्लियर एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटर अबाउट सेवेंटी से इज इज इन पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन आई थिंक दिस सिंपलेस्ट क्वेश्चन पॉसिबल सो टू थाउजेंड ट्वेल्व का ये क्वेश्चन है सो गाइज दैट इज ऑल आज हमने देखा कि किडनी किस तरह से यूरिन बनाती है प्लीज रीड एनसीआर एंड डू आंसर ज क्वेश्चन एज वेल एज जो मैंने पूछे हैं इन द कॉमेंट सेक्शन किडनी कहां पर प्रेजेंट है इट विल टेल मी वेदर यूर रीडिंग एनसीआर टी और नॉट दुडे टिलोर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर कोशिश करेंगे कल खत्म करें ठीक है एंड आई एल सी यू टुमोरो टिल देन कीप रीडिंग एनसीआरटी बाय पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट